नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मित्रों। आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की हमारे अगली सीरीज की, और अगली सीरीज में भी आपके वही 10 क्वेश्चन होंगे जो MPPSC, IDGS, सिविल जज, UPSC, IDPO या फिर इनसे जुड़ी हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये करंट के क्वेश्चन हैं, तो इनमें से आपके कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में अवश्य ही बैठेंगे। मैं डॉक्टर इरशाद खानम, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आई लव टॉक्स पर। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं जनरल नॉलेज के हमारे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा है, रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? जो रेड डेटा नामक बुक है उनमें किन प्राणियों के लिस्ट को बनाया जाता है? पहला जानवर, पेड़, फंगी, तीनों में से कौन सा हमारा सही आंसर है? केवल एक यानी कि जानवर, केवल एक और दो यानी कि जानवर और पेड़, केवल दो यानी कि पेड़, या फिर तीनों? तो हमारा सही आंसर है डी, ये तीनों। रेड डेटा बुक उन प्रजातियों की सूची है जो खतरे में होती हैं। हर रेड डेटा बुक में जानवर या वृक्ष अथवा फंगी की लिस्ट होती है जो खतरे में होती है। यानी रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिनमें उन जानवरों का या उन प्रजातियों का लिस्ट डाली जाती है जो कि लुप्त होती हो या जो खतरे में होती हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे फंगी हो। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या हैं? पहला, इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। सेकंड, इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। और आंसर हमारा क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं है? तो सही आंसर हमारा सी है कि ये दोनों ही सही हैं। ये दोनों ही जैव विविधता की हॉट स्पॉट के लक्षण हैं। यानी कि क्या उस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना और उस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना, तो वो जैव विविधता को हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया जा सकता है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? यानी कि एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक आप जब देखते हो तो जोड़ी टाइप बना होता है कि जोड़ी मिला के आपको सही बताना होता है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित है? पहला देखते हैं, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थ, क्या ये इससे संबंधित है, सही या गलत है हम आंसर में देखेंगे। बी देखिए, 1979 का बोन सम्मेलन किससे संबंधित था, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण। सी, 1990 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन से संबंधित था। और डी, 1998 का राटरडेम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से में सहमति, इससे संबंधित था। तो हमारा सही आंसर है सी, सी हमारा क्या है, 1990 का बासेल सम्मेलन जो ट्रांस बाउंड्री आंदोलन, पारगमन, हैडलिंग और रहने वाले
संशोधित जीवों के उपयोग का विनियमन से संबंधित था। ये जो हमारी जोड़ी है, ये हमारी जोड़ी जो सी है वो सही है। खतरनाक अपशिष्टों और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बसिल कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों को बीच खतरनाक कचरों के आंदोलन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, पश्चिमी घाट परिस्थिति की विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? नाम देखते हैं, पहला आर के पचौरी, दूसरा वंदना शिव, तीसरा माधव गाडगिल, चौथा प्रदीप कृष्णन। तो सी आंसर हमारा सही है, माधव गाडगिल। पश्चिमी घाट परिस्थिति की विशेषज्ञ पैनल पश्चिमी घाटों के संरक्षण और देखभाल के लिए बनाई गई थी। इसे गाडगिल समिति भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? पहला आंसर हम देखते हैं नीलगिरी, दूसरा दिहांग दिबांग, तीसरा नोकरेक और चौथा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा पहला है नीलगिरी। शेर की पूंछ वाला मकाक पश्चिम घाटों में पाया जाता है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये दुर्लभ प्रजाति का है। छठा क्वेश्चन हमारा आज का है, भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषक निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? आंसर देखते हैं नागफनी, एगी ओल्पस, जलकुंभी, पिस्टिया। आंसर है हमारा एगी ओल्पस। जलकुंभी दक्षिण अमेरिका का एक पौधा है, यह बहुत अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करता है तथा इसके बीजों के अंकुरण की क्षमता 30 वर्षों तक की होती है। अगला क्वेश्चन सातवां, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? आंसर देख लेते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सेकंड डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सी एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी जो है वो हमारा सही है, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा बदल दिया जाता है। आठवां क्वेश्चन हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक है काई, धुआं, ब्राओफाइटा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारा है काई। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक जो है वो काई है। नाइन्थ क्वेश्चन, पानी के फर्न अजेला और साइनोबैक्टीरियम का अन्नाबेला के बीच संबंध, पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध के बारे में हमको जवाब देना है। तो हम देखते हैं हमारा आंसर, सहजीवी, पारस्परिक, परजीविता, आग सहयोग। तो सही आंसर हमारा ए सहजीवी। पानी के फर्न अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्ना बेना परस्पर सहजीवी होते हैं, एक दूसरे के साथ ही वो जीते हैं। चलिए आखिरी हमारे सीरीज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? पहला मन्नार की खाड़ी, दूसरा खंबात की खाड़ी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो सही आंसर हमारा है खंबात की खाड़ी। भारत में मूंगा चट्टान की चार जगह हैं, कौन कौन सी हैं? मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्ची की खाड़ी। अगर मूंगा चट्टान की जगह नहीं है तो वो कौन सी नहीं है? खंबात की खाड़ी। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। शुक्रिया, धन्यवाद।